एक सजेशन है, जिनको भी लगता है कि वो मेंटली डिप्रेस्ड है या फिर मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ को लेकर कोई भी इश्यूज है ना, तो आई मस्ट से आपको ट्रैक में आ जाओ, गो फॉर अ रन, कम फॉर अ ट्रैक, गो फॉर एन एडवेंचर, बट यू लव इट, माइंड एकदम फ्रेश। दूसरी चीज़, ये फालतू के दुनिया के झगबाजी से ना, दुनिया के झगबाजी, डिप्रेशन, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, भाई ये लव फेलियर वगैरह, अरे ये सब चीज़ें बेकार सी चीज़ें, लिव लाइफ। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ दिस सेम सीरीज, चोपता तूनाथ सीरीज। एंड अभी आज के दिन एक ब्यूटीफुल सनराइज के साथ शुरू हो रहा है, मतलब सनराइज तो खैर बहुत पहले हो गया था, बट ये है कि बहुत ही सुंदर धूप निकल रखा है एंड जो यहाँ का व्यू आ रहा है, दिस इज़ लाइक अमेजिंग। एंड यू नो, जितना बोलूँ इस जगह के लिए उतना कम है, बाकी ये जगह इतना अच्छा है, तो जब हम चोपता और तूनाथ का जो हम ट्रैक करेंगे, जो वहाँ से जो व्यू आएगा वो तो भयंकर होगा, भयंकर होगा। एंड रात को ठंड बहुत था, जल्दी खा पी के सो गए थे, एंड अभी मैं सुबह भी उठ के मैंने कह दो ये जो कल का जो व्लॉग था वो पूरा फिनिश करा है ना, फिर से फिर मैं गया, फिर ब्रश ब्रश करा, फ्रेश हुआ, मुंह थोड़ा सा धुला, थोड़ा सा कपड़े वपड़े ठीक करे है ना। बाकी आज का ये व्लॉग है कि अभी ऑलमोस्ट सब लोग उठ चुके हैं, मेरे दोस्त लोग, कुछ फ़ोटोज़ अभी हमने क्लिक करे थे इंस्टाग्राम में, मैं फ़ोटोज़ डालूँगा, देखना भाई अमेजिंग, मतलब लग नहीं रहा कि भाई ये इंडिया है, मतलब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है, बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस है, बट कोई देखेगा ना, कोई बोलेगा यार तुम तो बाहर देश जा रखे हो घूमने के लिए। अभी ब्रेकफास्ट बनने के लिए रेडी हो रखा है, तो हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम तूनाथ और चंद्रशिला वाला ट्रैक हम कवर करेंगे आज। एंड जो यहाँ पर जिनका टेंट है, जिनका कैंपिंग का जगह है, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा जल्दी करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी ये होता है कि मतलब जब हम चंद्रशिला वाला टॉप में आते हैं तो वहाँ पर मौसम ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि मौसम ख़राब हो, एज इन फॉगी हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब दिखेगा नहीं हमें जगह, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि जल्दी जाके जल्दी आ जाना, है ना, ताकि दिन दिन में कवर अप हो जाए। बाकी यही था। एंड यहाँ से व्यू देखो नीचे का पूरा, कुछ दोस्त लोग कल हम वॉलीबॉल वहाँ पर नीचे खेल रहे थे, आई एम नॉट श्योर इसमें दिख रहा होगा कि नहीं अच्छे थे, बट ये कि हम वॉलीबॉल खेलते वहाँ पर भी जितने कुछ 9-10 बंदे आ रखे जो गुजरात से आ रखे है ना, उनका तो खैर टूर का पैकेज है पूरा, एज इन घूमने फिरने का, केदारनाथ का पता नहीं कहाँ कहाँ का जगह का, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, रेडी होंगे और फिर हम अपने दूसरे ट्रैक के लिए निकलेंगे। हाँ, दिस इज़ गोना बी अमेजिंग, देखना इन तक। दोस्तों, आई जस्ट मेड अ फ्रेंड, करनाल से आ रखे, व्हाट्स योर नेम? उर्वी। उर्वी, हाय उर्वी। एंड ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना वीडियो को, उसमें आप स्माइल करते हुए आओगे। एंड शर्मानी बात के मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम रहते हैं ना ब्लॉगिंग में, ऐसे ही बस नॉर्मल रहो, बात बात करो और बस ऐसे ही रहते हैं। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलेंगे अब तो आज का। सो पीपल, अभी हम लोग यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक कर रहे हैं। चलो अभी ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम निकलेंगे। वही आ जाओ ब्रेकफास्ट करने, आ जाओ पूछ आशीष, ऊपर चलते ब्रेकफास्ट पूछ लेते। चलो अभी चलते और खाते निकलते हैं। तो फाइनली गाइज, मैंने अपना पजामा पहन लिया है, टंटण है, और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है। बहुत ज़्यादा सस्पेंस है गाइस, अब आओ और गैस करो क्या। कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पराठे पराठे के लिए हमने बोला था, लेट्स सी क्या बना होगा। बाकी दिस इज आवर प्लेस एंड यहाँ पर ये पूरी टुल्ली आ रखी है। सर चलो ब्रेकफास्ट करते, मिलते हैं। सो हे पीपल, वी आर ऑलमोस्ट रेडी एंड अभी बस ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में पराठे के लिए हमने करा था, बट पराठे तो नहीं पाएंगे, तो क्या है, बन ऑमलेट, बन ब्रेड ऑमलेट और मैगी है। तो कैमरा मैन थोड़ा सा इससे हल्का सा ऊपर करो। तो फिर अभी बस पजामा देखना, अच्छा पजामा देख रहे, देखो मेरा पजामा, मेरा सब कमाल। तो बाकी अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ट्रैक में निकलेंगे। तो बस यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, अब मेरे साथ कौन कौन ट्रैक में जाएंगे। आप लोग ट्रैक से हो के आ गए ना?
ये भाई भी हमें मिले, अब कैमरामैन दिखाइए आप कहाँ से? हम लोग राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से आ रखे आप, कहाँ कहाँ घूमे इधर? हम लोग बद्रीनाथ गए थे। अच्छा बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ से वापस आए चुपटा। इसके बाद? इसके बाद अभी सीधा ऋषिकेश। तो अभी पैकेज वाले आए ना? नहीं नहीं, हम तो प्राइवेट आए। बस यही है, बाकी अभी हम ब्रेकफास्ट करते और निकलते, चलो मिलते फिर। सो पीपल, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया था एंड अब ऑलमोस्ट सब पैक्ड है। मैंने भी अपने ये छोटा बैग ले लिया एंड अभी तो यही जैकेट पहन के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अबाउट 3-3.5 किलोमीटर्स यहाँ से आगे चलना है जैसे हम ट्रैक शुरू करेंगे, एंड तब मैं फिर इसे हटा के विंड सीटर पहन लूँगा। बाकी मैंने ये ट्रैक का ये पजामा पहन रखा है, ये जो पहन रखा है पजामा, क्या बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो इसके अंदर भी मैंने एक ट्रैक पैंट पहन रखा पतला सा, ताकि क्योंकि ये बहुत इतना वार्म भी नहीं है, ठंडा लग सकता है इसमें। बाकी इसको निकाल दूँगा, अभी चलते हैं गाड़ी में। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है थैंकफुली। हमने कहाँ से, देवप्रयाग नहीं, जहाँ से संगम होता है, देवप्रयाग था ना वो? हाँ देवप्रयाग से बॉटल में पेट्रोल भर लिया था एंड वो अभी काम आएगा। अभी गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं बॉटल से, बाकी चुपता पहुँचते हैं। वहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर पेट्रोल मिल जाता है बॉटल में, हम लीटर के हिसाब से पैसे दे के मतलब पेट्रोल ले लेंगे बॉटल में, फिर ताकि जब हम वापस डाउनहिल जाए, शायद हम ऊखी मठ के रास्ते से ही वापस जाएंगे, तो होपफुली हमें उधर मिल जाए पेट्रोल पंप। बाकी अभी देखते हैं, 3 किलोमीटर चल जाएंगे, वहाँ से ढलान का रास्ता है तो इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ नहीं होने वाला। बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जब हम डाउनहिल जाएंगे तब आपको बताऊंगा टोटल हमने डिस्टेंस कितना कवर करा। जब हम करंट ट्रैक गए थे तब हमने अराउंड 159 किलोमीटर एग्जैक्ट हमने कवर कर लिया था, फिर वहाँ से अभी जाके चेक करता हूँ अभी कितने किलोमीटर से, फोटो क्लिक करके रख लूँगा मीटर को, ताकि वो नंबर याद रहेगा मुझे। बाकी अभी चलते पेट्रोल डालता हूँ और फिर मिलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, रेडी होते हैं ट्रैक के लिए, है ना? चलो मिलते हैं, अभी गोप्रो वगैरह सब चीज़ बंद करता हूँ और अपने जंग के लिए तैयार होते हैं। चलो मिलते हैं जल्दी से। तो अभी हमने अपने गाड़ी को कर दिया है कोल्ड स्टार्ट बहुत ठंड से जमी थी। तो गाइस टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर करा है कल घर से एग्जैक्ट इस लोकेशन तक वह 296 किलोमीटर्स, एंड जो कि हमने फालतू के एक्स्ट्रा भी करा था क्योंकि हम कुछ काफ़ी डिस्टेंस किलोमीटर्स हमने ऐसे पैच में गए जहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हम मेन ऋषिकेश से श्रीनगर के उसमें डायरेक्ट आ जाते तो शायद हम जल्दी पहुँच जाते एंड डिस्टेंस भी हमें कम पड़ता, बट कोई नहीं, द टोटल डिस्टेंस वॉज 296 किलोमीटर्स। अभी यहाँ से चुपता के मेन उसमें आ रहे थे, ट्रैक शुरू करेंगे। सो गाइज दिस इज द प्लेस चुपता, मेन चुपता, यो पहाड़ जो मैं आपको अपने टेंट से दिखा रहा था। बाकी हमें आगे मंदिर का गेट है, वहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे, वो टॉप में जाएंगे। वहाँ पर देवभूमि में आपकी यात्रा मंगल हो, शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से आए, मैंने अपनी स्कूटी उस तरफ पार्क कर दिया है और अब हम जा रहे हैं ट्रैक के लिए। जैकेट भी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो थोड़ा हैवी था, कुछ ज़्यादा गर्म था एंड ट्रैक में तो फिर कुछ ज़्यादा गर्मी हो जाएगी चल चल के, तो मैंने बस एक ये अंदर से मैंने पहन रखा है गर्म वाला, ऊपर से विंड हीटर डाल दिया है। बाकी लेट्स गो बॉयज, वी गेटिंग सम एनर्जी ड्रिंक्स, ऐसा कुछ जूस वगैरह, पानी तो है एंड मैंने चॉकलेट ले लिया कि रास्ते में चॉकलेट खाऊंगा थोड़ी सी एनर्जी आएगी, है ना? बाकी ये है यहाँ से मंदिर का द्वार जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, और ये स्टैंड भी चौकी का मेन स्टैंड ये है, है ना? बाकी अब यहाँ से चलेंगे और ट्रैक शुरू करेंगे एंड आवर ट्रैक बिगिंस नाउ। दिस इट, ये बिल्कुल पहले वीडियो में आने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया भाई। शुभ 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 शुभ, हरी हरी। चलो यहाँ पर जब वीडियो बना रहा भाई बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, ब्लू स्काई, ग्रीन ट्रीज, रास्ता, मौसम। हेलो, चलो लेट्स गो। तो यहाँ पर कुछ घोड़े, कुछ खच्चर वगैरह सब है,
जिसको जो चाहिए होगा वो लेके ट्रैक कैरी कर सकते हैं। कर रहे भाई, डर ये था रास्ता इतना सा है, कचरा भयंकर, हमें ही घोड़ा धक्का देके भयंकर नीचे गिरा दे रहे। एंड जो हमने 3 किलोमीटर का पैच अभी कवर करा था, जंगल के इधर ठंडा था भयंकर मस्त, हेलमेट में कुछ पहना नहीं था, वही जो नाक में ठंड घुसी ना फेस में गले में, बहुत भयंकर ठंडा। आई जस्ट होप कि जुकाम जुकाम ना हो, बस एट प्रेजेंट भी हाथों में ठंडा लग रहा है और नाक में ना मतलब अजीब नहीं होता ठंड से एकदम से, है ना, वो सब चल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि आगे मंदिर है तुंगनाथ जी, है ना, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं वो घोड़े या खच्चर कर लेते हैं ताकि वो डेस्टिनेशन पहुँच जाए, वहाँ पर मंदिर में जाके, है ना, होके आ जाए। बाकी हम बेसिकली ट्रैक के लिए आ रखे एडवेंचर के लिए, तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करते ये सारी चीज़ें। सब लोग जैकेट वगैरह सब लोग उतार रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मैंने सुबह मेन जो जैकेट था बहुत गर्म वाला वो से निकाल दिया था, विंड शीटर में आ गया था। ओके, इनफैक्ट अभी भी मुझे फील हो रहा है कि मतलब थोड़ी देर में ये निकाल के अंदर से जो मैंने डबल पहन रखा है सिंगल पहनूंगा उसके ऊपर ही डाल दूंगा। यहाँ से एक्चुअली व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, इसमें इतना अच्छा दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, है ना, बट ये माउंटेन जो रेंज है ना पीछे वाला बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, ये पूरा वैली, है ना, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं। बाकी अभी यहाँ से हम चल रहे हैं, है ना। एंड जो ये व्लॉग का पोस्ट करने का सोच रहा था मैं कल सुबह पोस्ट करने का सोच रहा था, मैंने परसों एडिट कर दिया था विरासत का, है ना। एंड यार Look at this place. Look at those mountains, all covered with snow. You put throughout the year, snow se bhare hote. तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं उनके लिए, काफी आगे आगे। बाकी यार ये जगह देखो यार, ये भाई बिल्कुल बुलटू वीडियो ना रहे। हेलो, नाम क्या है चैनल का? ट्रैवलिंग फ्रीक इरशाद अली। हाँ जी, बाकी अपने दोस्त लोग ही आ गए। इन वादियों में टकरा गए हैं, जो अब मजे आ रहे हैं चलने में फील के साथ। गाइस, ट्रैकिंग हो और मैं शॉर्टकट ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता। सब लोग मेरे रास्ते चल रहे और मैंने पकड़ लिया दूसरा शॉर्टकट, और इसी में इन चीज़ों में मज़ा आता है। बस मुझे फ़ोन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं फ़ोन ना गिरे, बाकी तो यहाँ पर मैं दौड़ सकता हूँ अच्छे से। ओ गॉड, यहाँ तो मुझे गोप्रो रखना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ से आया हूँ भाभा के, वहाँ से यहाँ से उछलना पड़ा क्योंकि यहाँ से बड़ी दीवार है। अबे लोग भी थोड़ा शॉर्टकट आ रहे हैं।
चलो फिर से शॉर्टकट लेते और टॉप तक पहुँचते, और इतना ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो इसको यहीं बंद करता हूँ। उप्स, मेरा पजामा पजामा फटना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग करना पड़ रहा है। वहाँ तो पूरा घूम फिर के रास्ता था, मैं यहाँ डायरेक्ट यहीं से आ गया सीधा यहाँ पर। दोस्त लोग भी ये तो नहीं है। तो गाइस छोटा सा ब्रेक लिया था, पानी पूनी पिया, बॉयज भी यहाँ पहुँच गए। ये लोग यहाँ से मेन ट्रेल से ट्रैक कर रहे हैं, मैं जाऊँगा यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चढ़ूँगा। ये बेसिकली रास्ता नहीं है, लैंडस्लाइड वगैरह टाइप का है, पत्थर पत्थर जो गिर रखे है ना। बट ये है कि टॉप वो दिख रहा है उधर टॉप जहाँ से सूरज है ना, यहाँ से घूम फिर के वो दूर से वहाँ तक है ताकि नॉर्मल रास्ता बना रखे, और मैं चढ़ूँगा यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा मैं। चलो शुरू करते हैं। मुझे ये चीज़ें उठपटांग चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। वहाँ से यहाँ तक जस्ट इन वन गो एक बार में आ गया। चलो लेट्स ट्रैक। कुछ कुछ चीज़ें बहुत स्टीप है, स्टीप बोल रहा, चढ़ाई है, स्ट्रेचिंग अच्छी खासी हो रही है। ओह गॉड, मैं करता हूँ इसको बंद, गोपरा को। हाँ, बहुत लोग को लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेकार है, बट ट्रैक ट्रुक करने के बाद पता चलता है एक्चुअली हमारी फिजिकल हेल्थ ही बहुत बेकार है। जिनको भी एक सजेशन है, जिनको भी लगता है कि वो मेंटली डिप्रेस है या फिर मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ को लेकर कोई भी इश्यूज है ना, तो आई मस्ट से आपको ट्रैक में आ जाओ, गो फॉर अ रन, कम फॉर अ ट्रैक, गो फॉर एन एडवेंचर, बट यू लव इट, माइंड एकदम फ्रेश। दूसरी चीज़, ये फालतू के दुनिया के झगबाजी से ना, दुनिया के झगबाजी डिप्रेशन, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, भाई ये लव फेलियर वगैरह, अरे ये सब चीज़ें बेकार सी चीज़ है। लिव लाइफ, गोल रखो, एम बनाओ लाइफ में, वर्क हार्ड फॉर इट, अपने लाइफ को अपने आप को खुश करो, घूमो, ट्रैक में जाओ, मस्ती करो। इन चक्करों में फंस के ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ज़िंदगी बर्बाद करने में लोग टाइम नहीं देते, जहाँ लव फेलियर हो गया सुसाइड करने लग जाएंगे लोग, ये करेंगे वो करेंगे। भाई टिप्स ले करूँगा उससे, एक से एक टिप्स है। गाइस फाइनली मैं आ गया मेन ट्रेल में, एकदम स्टीप रही थी, हमें जाना है टॉप में, उस तरफ टॉप में आना है, काफ़ी रास्ता बड़ा है, तो चलते रहते हैं।